हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ड्रीम चैनल। दोस्तों, मोबाइल का बैटरी जब ख़राब हो जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट बैटरी जब मार्केट में नहीं मिलता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, आज वीडियो में देखेंगे पुराना बैटरी का सब्स्टिट्यूट बैटरी कैसे बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक स्मार्ट का बैटरी जो ख़राब हो चुका, मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसका डुप्लीकेट बैटरी बनाना है। दोस्तों, जो प्रोसेस मैं दिखाने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी बैटरी का डुप्लीकेट बैटरी आप बना सकते हैं। चलिए इसको अंदर में क्या है देखते हैं। बैटरी का जो कवर है उसको मैंने रिमूव कर दिया। देखिए अंदर में क्या है वो देखते हैं। दोस्तों, बैटरी का जो कवर रिमूव किया है, उसके बाद ध्यान से उसको ओपन करना है और उसका जो बैटरी का जो पिन होता है, अब यहाँ पर जो 3 पिन देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैटरी से जो सर्किट अब यहाँ पर देख पा रही है, ये सर्किट के यहाँ से निकलना है। जो नया बैटरी बनाना है, यही सर्किट है वहाँ पर लगाना पड़ेगा और नया बैटरी बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पुराना बैटरी है उसको सर्किट, यही सर्किट के यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अलग करते हैं। ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस बी लिखा हुआ है और माइनस बी लिखा हुआ है। दोस्तों, अभी यहाँ पर जो बैटरी लगाना है वो है नोकिया का एक बैटरी BL5C1, मैंने यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो चलिए उसको पहले सेम प्रोसेस फॉलो करके उसका जो सर्किट है उसको मैंने रिमूव कर दिया। देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है 3.75। अभी जो स्मार्ट का बैटरी का जो सर्किट है वो यहाँ पर लगाना है, लेकिन पहले सर्किट में जो प्लस और माइनस जो पिन है उसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पिन है उसको रिमूव करना ज़रूरी है, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। जो कॉपर का वायर है, थोड़ा सा कॉपर का वायर हम यहाँ पर लेंगे और 2 पिन अलग से हम बनाएंगे। कॉपर का वायर में इजीली सोल्डरिंग हो जाता है, इसको लोग कॉपर का वायर मैंने लिया। अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा और कहीं पर शॉर्ट ना हो जाए। और एक बात है दोस्तों, अगर आप चैनल में नया है तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बटन आएगा उसके भी दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। जो बैटरी का 2 पिन है, पॉजिटिव और निगेटिव, उसमें मैंने सोल्डरिंग कर दिया। दोस्तों, सोल्डरिंग करने के बाद जो सर्किट है उसके यहाँ पर लगाना है। दोस्तों, ध्यान में रखना है जो सर्किट जब यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, ध्यान में रखना है शॉर्ट नहीं हो जाए। पॉजिटिव पिन का मैंने सोल्डरिंग कर दिया। अभी यहाँ पर जो नेगेटिव पिन है उसमें सेपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि बैटरी का जो बॉडी है ना वो पॉजिटिव है,
ध्यान में रखना है, शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने सेपरेटर यूज़ किया है। सर्किट को बैटरी से अलग रखना होगा, शॉर्ट ना हो जाए। वोल्टेज को चेक करता हूँ। एबार देखिए 3.74 बैटरी का वोल्टेज है। सेपरेट रखने के लिए आप सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा टेप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बैटरी में जो टेप यूज़ होता है वो फायर प्रूफ होता है, अगर आपके पास ना हो तो दोस्तों आप सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। अभी बैटरी का जो हाउसिंग है उसमें बैटरी को सही तरह से सेट करना है। और एक सेपरेटर हम यूज़ करेंगे बैटरी और बैटरी का जो सर्किट है उसका अलग रखने के लिए। देखिए बैटरी का जो पिन है वो सही तरह से बैठ गया, लेकिन जो बैटरी का दूसरी तरफ देखिए ओपन प्लेज है, उसको सही तरह से फिल करना है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं बैटरी सही तरह से काम करता है कि नहीं। देखिए बैटरी ऑन हो गया। दोस्तों जो सर्किट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ओरिजिनल सर्किट होने की वजह से चार्ज होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर एंड्रॉइड का बैटरी ख़राब होता है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बैटरी बना सकते हैं। अगर एंड्रॉइड का बैटरी आपको नहीं मिलेगा तो आप टैप का बैटरी जिसमें सर्किट नहीं होता वो ख़रीद कर उसमें दोस्तों ओरिजिनल बैटरी का सर्किट लगा के बैटरी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने जो बैटरी बनाया उसको फिनिशिंग टच देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू दोस्तों।